इन टू डेज क्लास, आज की क्लास में हम दो चीजों को लेकर के बात करेंगे। एक चीज तो क्रिस्टोफर मार्लो का हमने अभी वर्क डिस्कस किया था, उनकी लाइफ को लेकर के डिस्कस नहीं। अगर आपको याद होगा मैंने जो हायर एजुकेशन में डॉक्टर फास्टस और ज्यू ऑफ माल्टा था, ये वर्क तो मैंने डिस्कस कर लिया था, लेकिन उनकी लाइफ को लेकर के मैंने बात नहीं किया था। तो एक तो क्रिस्टोफर मार्लो की लाइफ को लेकर के हम लोग बात करेंगे, और क्रिस्टोफर मार्लो के अलावा जो है वी विल टॉक अबाउट बेन जॉनसन। हम लोग बेन जॉनसन को लेके बात करेंगे। रमा भी ज्वाइन हो गई है, अमित जी भी ज्वाइन किए हैं। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रिस्टोफर मार्लो एंड बेन जॉनसन। क्रिस्टोफर मार्लो की केवल लाइफ बची रह गई, उनकी लाइफ को डिस्कस करेंगे, और बेन जॉनसन की लाइफ प्लस उनके वर्क को लेकर के बात करेंगे। व्हेन आई टॉक अबाउट क्रिस्टोफर मार्लो ऑलवेज रिमेम्बर दैट वन पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्रिस्टोफर मार्लो वॉज व्हाट, He was a scholar of University Wits. वो University Wits के एक बड़े scholar थे, जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि Christopher Marlowe was a well-known scholar of University Wits. When we talk about Christopher Marlowe as a well-known scholar of University Wits, then remember that कि Christopher Marlowe a well-known scholar of University Wits, it means that University Wits a group of seven scholars. Who studied from Cambridge and Oxford universities. They were great scholars of Latin. They translated many well-known works from Latin into English. This is why they are known, what they are known as University Wits उनको कहा गया। और ये बात कब की, एलिजाबेथन एज से पहले या उस समय की। अब सवाल उठता है कि जो क्रिस्टोफर मार्लो रहे हैं, he was famous as a dramatist. क्रिस्टोफर मार्लो एक dramatist के रूप में famous थे, लैटिन स्कॉलर्स के रूप में भी फेमस रहे हैं। स्पेशली ही वॉज फेमस फॉर राइटिंग ट्रेजिडीज। वो ज्यादातर जो फेमस रहे किस लिए फेमस रहे, ट्रेजिडीज को लिखने के लिए। यू विल कम टू नो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस मैन की क्रिस्टोफर मार्लो को लेकर के जब हम लोग बात करते हैं, उनके वर्क को लेकर के बात करते हैं, तो व्हाट द पॉइंट्स वी हैव टू रिमेम्बर। नंबर वन पॉइंट विच वी हैव टू गो कि क्रिस्टोफर मार्लो वॉज बॉर्न इन 1564। वो 1564 में पैदा हुए हैं, जिस समय की विलियम शेक्सपियर पैदा हुए हैं वही समय उनका भी रहा है, लेकिन शेक्सपियर की डेथ थोड़ा सा बाद में होती है। क्रिस्टोफर मार्लो एक तरह से कहा जाए अर्ली एज में उनकी मौत हो जाती है। तो क्रिस्टोफर मार्लो वॉज बॉर्न इन 1564 बट डाइड इन 1593, और उनकी मौत 1593 ईस्वी में होती है। A well-known scholar of University Wits. University Wits में seven scholars थे। Already I told you they studied from Oxford and Cambridge universities. They were Latin scholars. They did a very good job. So you find these things. Second important point कि when you talk about this man, there is a very significant point कि he paved the way for Shakespeare. Whatever he wrote, जो कुछ भी उन्होंने लिखा, उससे जो है किसके लिए रास्ता तैयार हुआ है, उससे Shakespeare के लिए रास्ता तैयार हुआ है। शेक्सपियर को रास्ता तैयार करने का मतलब या मकसद यहाँ पर ये है कि अगर शेक्सपियर बने तो उनके ड्रामा में या उनकी लॉन्ग नैरेटिव पोयम में शेक्सपियर में जो भी नजर आता है उस चीज को आप देखेंगे कि उसकी आधारशिला या उसकी एक नींव दैट वाज अल्टीमेटली डन बाय दिस मैन, इस आदमी ने उसकी एक नींव तैयार की थी। अब सवाल ये होता है कि जो क्रिस्टोफर मार्लो रहे हैं उन्होंने क्या क्या किया। क्रिस्टोफर मार्लो के फादर का नाम जॉन मार्लो था, क्योंकि आथर की लाइफ को थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है कि ही वॉज बॉर्न इन 1564, डाइड इन 1593, ही पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर, ही वॉज अ लैटिन स्कॉलर एंड मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स अ ग्रुप ऑफ सेवन स्कॉलर्स स्टडीड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड सो मेनी थिंग्स यू फाइंड। सो व्हाट आई वांट टू से कि ही वॉज अ टॉर्च बियरर, पाथ मेकर, ल्यूमिनरीज who paved the way for Shakespeare. He was Miss Christopher Marlowe. And his father was who? His father was John Marlowe. Unke father ka naam kya tha? John Marlowe tha. You will come to know ki something that's very interesting ki unhone apna jo career hai as a dramatist or as a poet, unhone pura apna career usme contribution unka raha hai. And here I want to tell you ki what other things we have to remember. नंबर वन पॉइंट की उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को ध्यान में रखना है। एक उनका इम्पोर्टेंट वर्क है टैम्बरलेन, TAMBURLAIN, टैम्बरलेन, इट केम इन 1590। ये 1590 ईस्वी में आता है।
वी नो इट वेरी वेल कि ये भी ट्रेजिडी है, टैम्बरलेन इज अ ट्रेजिडी, और उनके जितने भी प्लेस हैं उनकी जो भी ट्रेजिडीज हैं उसमें आपको क्या क्या चीजें नजर आती हैं। नंबर वन पॉइंट जो वहां पे नजर आता है वह चीज क्या है कि इनफिनिट नॉलेज इनफिनिट पावर, क्योंकि रिनेशा स्पिरिट है, रिनेशा आइडियोलॉजी है, रिनेशा का कॉन्सेप्ट है, तो यू फाइंड कि इनफिनिट नॉलेज एंड इनफिनिट पावर या समथिंग एम्बिशन एम्बिशन या मैकियावेलियन कॉन्सेप्ट यू फाइंड इन द वर्क्स ऑफ दिस मैन। तो टैम्बरलेन उनका वर्क है जो 1590 में आता है। दूसरा वर्क उनका है द मास एकर एट पेरिस, ये 1593 में आता है, ये भी ट्रेजिडी है। द मास एकर एट पेरिस 1593 में है। डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज 1594 में है, ये भी ट्रेजिडी है। फिर से मैं बता दूं, डीडो द क्वीन ऑफ कार्थेज 1594 में आता है। एडवर्ड सेकेंड उनका हिस्टोरिकल प्ले है, 1594 में आता है। डॉक्टर फास्टस उनका वर्क इम्पोर्टेंट रहा है। द जीव ऑफ माल्टा भी उनका इम्पोर्टेंट वर्क रहा है। डॉक्टर फास्टस 1604, द जीव ऑफ माल्टा 1633, पब्लिशिंग डेट के हिसाब से। राइटिंग और परफॉर्मेंस तो 1592 में होता है। ये जितनी भी बातें बताई सबका पब्लिशिंग डेट बताया गया है। तो वेन यू टॉक अबाउट दीज वर्क, तो टैम्बरलेन 1590, टी ए एम बी यू आर एल ए आई एन, टैम्बरलेन 1590, द मास एकर एट पेरिस 1593, डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज 1594, एडवर्ड सेकेंड 1594, डॉक्टर फास्टस 1604, द ज्यू ऑफ माल्टा 1633, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हाट आई वांट टू से कि इन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे या इन सारी चीजों को अगर आप समझेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेरी वेल। आप इन सब चीजों को उसको समझ सकते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन एज अ ड्रामेटिस्ट इन द फील्ड ऑफ ट्रेजिडी और हिस्टोरिकल प्ले में उनका रहा है। पोइट्री में भी उनका वर्क कम नहीं था, काफी अच्छा खासा उन्होंने काम किया है। खासकर उनका जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम है हीरो एंड लियांडर, वह एक वर्क उनका रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इसके अलावा उन्होंने कुछ ट्रांसलेशन के काम किया और वह ट्रांसलेशन का वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपसे शेयर मीन्स अभी आपको मैं बता रहा हूँ। उसमें ट्रांसलेशन में उन्होंने क्या किया था, एक ट्रांसलेशन ऑफ बुक वन ऑफ लुकांस फारसालिया करके एक उनका वर्क रहा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके अलावा ओविड का एलिजीज उन्होंने ट्रांसलेट किया है, द पैसनेट शेफर्ड टू हिज लव करके रहा है। बाकी हीरो एंड लियंडर उनका लॉन्ग नैरेटिव पोएम था जो 1593 में आई है, यह अनफिनिश्ड वर्क रहा है, उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। बाद में जॉर्ज चैपमैन ने उसको कंप्लीट किया है, जॉर्ज चैपमैन ने। तो मैं रमा आपसे जानना चाहूंगा कि जो उनका लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जो इनकम्प्लीट वर्क था उसको जो है कंप्लीट किसने किया है? सर क्या वो क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए? माय क्वेश्चन इज कि दिस मैन क्रिस्टोफर मार्लो रोट अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, द नेम ऑफ दैट पोएम इज हीरो एंड लियांडर, इट वाज द इनकम्प्लीट पोएम, इसको किसने कंप्लीट किया? सर जॉर्ज चैपमैन ने। ओके, जॉर्ज चैपमैन ने। मैं इंदु मैडम जानना चाहूंगा, मैडम ये जो था जॉर्ज चैपमैन का मींस जिसको कंप्लीट किया हीरो एंड लियांडर, ये जो है कब उन्होंने लिखा था, कब का मतलब ये कब डॉक्टर फास्टस ने लिखा और कब ये जो है कंप्लीट हुआ है? इंदु मैडम, अमित जी, जी मैडम, ये जो पोयम है हीरो एंड लियंडर ये 1593 में क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है और कंप्लीशन इसका जॉर्ज चैपमैन ने 1598 में किया। ये दोनों डेट ध्यान में रखना, 1593 में हीरो एंड लियंडर को किसने लिखा है आपके, क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा लेकिन यह इनकम्प्लीट वर्क था और 1598 में यह वर्क कंप्लीट होता है, किसके द्वारा? जॉर्ज चैपमैन के द्वारा। उसके अलावा मैं एक चीज जानना चाहता हूँ इंदु मैडम से कि इनका हिस्टोरिकल प्ले कौन सा रहा है? आवाज नहीं आ रही मैडम। अमित जी,
एडवर्ड सेकंड, एडवर्ड सेकंड इनका हिस्टोरिकल वर्क रहा है। इनका सबसे पहला प्ले कौन सा था, आप में से कोई भी सबसे पहला प्ले? टैम्बरलेन, टैम्बरलेन 1590 में सबसे पहला प्ले टैम्बरलेन था। आपके यहाँ सिलेबस में जो प्ले है वो दो प्ले है, वो दो प्ले कौन कौन सा है? एक तो आपका डॉक्टर फास्टस है, दूसरा जीव ऑफ माल्टा है। डॉक्टर फास्टस की जो पब्लिशिंग डेट है 1604 है, परफॉर्मेंस का डेट 1592-93 हो सकता है, पब्लिशिंग डेट 1604 है, और द जीव ऑफ माल्टा का पब्लिशिंग डेट 1633 है। तो ये चीजें ध्यान में रखना, वो जरूर है कि पहले परफॉर्म किया गया लेकिन पब्लिशिंग डेट एज अ बुक उसमें आता है। अब उसके बाद जो है इन्होंने और क्या क्या चीजें रही, जैसे अब इनके बारे में और चीजें जानना नहीं जरूरी, लेकिन इतना ये चीज जानना जरूरी है कि जो इन्होंने क्या किया, अपने सारे प्ले में ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया है, और जो ब्लैंक वर्ड्स इन्होंने यूज किया है उसके लिए बेन जॉनसन ने माइटी लाइंस वर्ड कहा है। उनके द्वारा यूज की गए ब्लैंक वर्ड्स को बेन जॉनसन ने माइटी लाइंस कहा। तो ही पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर, ही वॉज द लीडर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, अ वेल नोन लैटिन स्कॉलर हु ट्रांसलेटेड सो मेनी थिंग्स। जहां तक ट्रांसलेशन की बात है तो एक क्वेश्चन ये जो पूछा जा चुका है जो हर आदमी को पता होना चाहिए, ओविड का एलिजीज, ओविड जो पोएट थे उनकी एलिजीज को इन्होंने ट्रांसलेट किया था, ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है। ही वॉज बॉर्न इन 1564, 1564 में जन्म हुआ। ही डाइड इन 1593, वी ऑल नो कि इनकी जो डेथ हुई है या मौत हुई है 1593 में हुई है, और इनको ये कहा जाता है कि द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ प्री शेक्सपियरियंस, शेक्सपियर से पहले अगर कोई एक टैलेंटेड ड्रामेटिस्ट रहा है, ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट रहा है, तो क्रिस्टोफर मार्लो रहे हैं। इनके फादर का नाम जो है जॉन मार्लो था, एंड यू विल कम टू नो की और तमाम चीजें ऐसे रहे। इनके रिलेशन थॉमस किड से भी बहुत अच्छे रहे। थॉमस किड ने जिन्होंने क्या लिखा था, स्पेनिश ट्रेजिडी लिखा था। थॉमस लॉज भी रहे हैं जिन्होंने एज यू लाइक इट, शेक्सपियर का जो प्ले एज यू लाइक इट है, थॉमस लॉज के प्रोज रोमांस रोजालिंड को फॉलो करते हैं। All these things we find. इसके अलावा we find कि जॉर्ज चैपमैन भी इनके समय के ही रहे। जॉर्ज चैपमैन ने इनके अनफिनिश्ड वर्क को कंप्लीट किया, फिनिश्ड किया, और वो कौन सा वर्क रहा है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम हीरो एंड लियंडर रहा है। इनके हीरो में मैकियावेलियन कॉन्सेप्ट है, मार्लोवियन हीरो का कॉन्सेप्ट है, रिनेशा स्प्रिट है, इविल एम्बिशन, या हम कह सकते हैं कि वाल्टिंग एम्बिशन है, ओवर एम्बिशस रहे हैं, इन्फिनिट नॉलेज, इन्फिनिट पावर, और रिनेशा स्प्रिट में जो और भी चीजें नजर आती है, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। डॉक्टर फास्टस जो उनका प्ले था उसकी स्टोरी मैं आपको पहले बता चुका था कि डॉक्टर फास्टस एक स्कॉलर है, काफी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका थियोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपने सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो लॉजिक को भी बेकार कहते हैं, फिलोसफी को भी, और एक ब्लैक आर्ट या ब्लैक म्यूजिक के मैजिक के चक्कर में पड़ जाते हैं, और अपनी आत्मा को जो है ल्यूसिफर को, मिफिस्टिफिलिस को बेच देते हैं, वहां पे आपने देखा था। जो प्ले द जीव ऑफ माल्टा था उसमें आप देखेंगे कि ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, और उसमें किस तरह से जो माल्टा वहां का एक तरह से जो बिजनेसमैन है जो जीव रहा है उस, जिसका नाम बाराबस था, उसमें मैकियावेलियन कॉन्सेप्ट था, और अपने आप को वो करने के लिए, सक्सेस लाने के लिए वह किस हद तक गुजरता है, तो इस चीज को देखते हैं कि बाराबस एक कैरेक्टर था जो बड़ा बिजनेसमैन है, और जो एक जीव है क्या क्या दुश्वारियां आती हैं, और एक तरह से सफलता के लिए वह कैसे अपनी बेटी का इस्तेमाल करता, ऑल दीस थिंग्स वी फाइंड। तो इतना तो बात मुझे थोड़ा सा किस पर करना था, क्रिस्टोफर मार्लो पे करना था, और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है जो मैं आपको भेज दूंगा। बाकी कुछ और भी कॉमन पॉइंट है जो उस समय की हिस्ट्री से रिलेटेड बात करनी चाहिए। एक तो बात हमने अब तक किया कि रोजालिंड थॉमस लॉज का वर्क है, थॉमस नैश का एक वर्क है अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, जो पिकारेस्क नावल का एग्जांपल है, और अंग्रेजी में पहला नावल पिकारेस्क नावल रहा है, वो भी यूनिवर्सिटी विट्स के हिस्सा रहे हैं। थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजिडी रहा है। जॉर्ज चैपमैन के बारे में यहाँ पे अभी बात हुई है कि जॉर्ज चैपमैन ने क्या किया था। उसके बाद जो है अगर आप देखेंगे कि थॉमस नैश का हम लोगों ने बात किया, अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर इसके लिए ही फेमस है, बाकी और भी वर्क उनके रहे लेकिन सारे वर्क पर हम लोग नहीं जा सकते या नहीं बात कर सकते। फिर उसके बाद किसका समय आता है,
विलियम शेक्सपियर का, और शेक्सपियर ऑलरेडी पीजीटी में भी है, टीजीटी में ही है, मुझे लगता है शेक्सपियर आपने काफी गहराई से पढ़ा है। इंदु मैडम का सजेशन आया था कि उनका जो हिस्टोरिकल प्ले रिचर्ड सेकंड पर है, अगर मैं मिस ना कर रहा हूँ, कि उस पर मुझे एक लेक्चर देना है। सर हेनरी फोर्थ। हेनरी फोर्थ, ओके ओके, हेनरी फोर्थ पर मुझे लेक्चर देना है, तो मैं उस पे लेक्चर कल दूंगा, हेनरी फोर्थ पर। लेकिन और भी जो इम्पोर्टेंट चीजें रही हैं, उनमें से एक इम्पोर्टेंट चीज ये रहा है कि अगर आप क्रिस्टोफर मार्लो से शुरू किया जाता है ड्रामा, तो ऐसा नहीं कि क्रिस्टोफर मार्लो से पहले ड्रामा नहीं था, थोड़ा सा उसके बारे में भी मैंने बात किया था। फिर से मैं बता दूं कि इंग्लिश ड्रामा के बारे में जब भी बात होगी, मिरेकल प्ले बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सेंट, मिस्ट्री प्ले बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ जीसस क्रिस्ट, मोरलिटी प्ले बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ कॉमन राइटियस मैन, और मोरलिटी प्ले का सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल एवरी मैन, जिसके आथर का कोई पता नहीं है। इंटरल्यूड एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब बिटवीन द प्ले, बाकी हम सबको पता है ट्रेजिडी कॉमेडी ऑल दीज थिंग। फिर हमें ये पता है कि गारबाडा पहला इंग्लिश का ट्रेजिडी था जिसको पारक फारिस कहा जाता है, ही वह ब्लैंक वर्ड से लिखा गया था, और थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन उसके आथर थे। पहली कॉमेडी राल्फ राइस्टर राइस्टर रिटन बाई निकोलस उडल, उसके बारे में भी पता है। फिर उसके बाद जमाना किसका आता है, शेक्सपियर का आता है। 37 प्लेज रहे हैं, उसमें से प्लेज, आवाज मेरी जा रही है, यस आवाज सर जा रही है, आ रही ओके। है सर। तो आई वॉज टेलिंग यू कि जब आप शेक्सपियर के बारे में बात करेंगे, बेन जॉनसन के बारे में बात करेंगे, तो हम डायरेक्टली नहीं बात कर सकते, कुछ और भी चीजें रही होंगी। उनमें से जो चीजें बात करनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरेलिटी प्ले, इंटरल्यूड, एवरी मैन, उसके बाद गारबाडा, राल्फ राइस्टर ड्राइस्टर, यूनिवर्सिटी वीट्स, थॉमस लॉज का रोजालिन, थॉमस किट का स्पेनिश ट्रेजिडी, और इसके अलावा जो है थॉमस नैश का अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, क्रिस्टोफर मार्लो पर जितनी बातें, ये सब माइंड में रहना चाहिए। और फिर जो है जो आपका चीजें रही है कि ड्रामा से रिलेटेड जो अरिस्टोटल ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, थ्री यूनिटीज, टाइम प्लेस एक्शन, कोरस क्या है, इसके अलावा यूनिटी ऑफ एक्शन को उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। फिर आपके माइंड में एक चीज ये होना चाहिए कि ग्रीक ट्रेजिडी में पोइटिक लैंग्वेज में बात हुई है, ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ट्रेजिक हीरो के अलावा हमें जो और जिन चीजों पर और हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, वो एक अगर अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट बात किया जाए कि दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट मेरी नजर में, उनके द्वारा दिए गए जो टर्म है वो टर्म कौन कौन से है, हेमाटिया, ट्रेजिक प्लग, कैथारसिस, परगेशन, प्यूरिफिकेशन, और इमोशनल वॉश, ह्यूब्रिस है, अ टाइप ऑफ हेमाटिया का ही है, जो जिसमें डिसोबेइंग ऑफ डिवाइन वार्निंग का कॉन्सेप्ट है, डाउनफॉल अगर दिखाया जाता है ऑफ द हीरो, तो उसको लेकर के अगर बात करेंगे, पोएटिक लैंग्वेज को लेकर के बात की गई है, ट्रेजिक एक्शन को लेकर के बात की गई है, ट्रेजिक हीरो को लेकर के बात की गई है, और इसके अलावा आप देखेंगे कि एनागनोरिसिस का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो वर्ड है, उस वर्ड को, चूंकि ये ड्रामा या ट्रेजिडी से जुड़ा हुआ है, डिनाउमेंट का वो जो है आपका कॉन्सेप्ट, उसको एक्सपोजिशन का कॉन्सेप्ट आपका, और उसके अलावा आपका जो है चाहे ट्रेजिडी हो या कॉमेडी हो, उसमें एंटागोनिस्ट प्रोटेगोनिस्ट ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड, एक्ट और सीन, ये सब जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं क्लियर होना चाहिए, देन हमारा पूरा एक कॉन्सेप्ट होगा वो चलता रहेगा। आफ्टर टेकिंग दीज थिंग, आफ्टर टेकिंग दीज वर्ड, यू हैव टू गो कि हमने क्रिस्टोफर मार्लो तक बात किया, उसके पहले जो ड्रामा का ओरिजिन था, टीएस पोएटिक प्ले में जो और भी कॉन्सेप्ट रहा है, वो सब जितनी भी चीजें दी गई है, उन सारी चीजों को लेकर के हमने आपसे बात किया। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इज हाईली सिग्निफिकेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काफी ज्यादा जरूरी है, उस पे हमें ये बात करना चाहिए कि क्या क्रिस्टोफर मार्लो के बाद से के जो क्वेश्चंस है वहां से चीजें नहीं आ सकती है, आ सकती है। जैसे शेक्सपियर तो है ही है, शेक्सपियर आपने पढ़ा भी है, 37 प्ले, 10 हिस्टोरिकल प्ले, एंड उसमें आपने ट्रेजिडी भी पढ़ा, कॉमेडी भी पढ़ा है, रोमांस भी रहा है, पहला प्ले टीटस एंड्रोनिकस का कॉन्सेप्ट, फिर लास्ट वाला द टेम्पेस्ट, उनका लिटरेरी कारियर डॉक्टर डाउडन ने 4 हिस्सों में बांटा, 154 सॉनेट जो 1609 में पब्लिश हुआ, या
इसके अलावा जो है थिएटर से वो कैसे जुड़े, 1564 में जन्म हुआ, 1616 में मौत हुई है, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। लेकिन कुछ चीजें बड़ी चीजें काम आने, जैसे उनके प्लेस को जब आप लेते हैं तो उनके कुछ प्लेस आपके उसको डिवाइड करते हैं तो रोमन प्लेस हैं, उन रोमन प्लेस में एंटोनी और क्लियोपेट्रा है, एंटोनी और क्लियोपेट्रा के अलावा रोमियो एंड जूलियट है, जूलियस सीजर है, और सच थिंग्स यू फाइंड जो तीन चार एक इम्पोर्टेंट प्ले नजर आ रहे हैं। ट्रेजिडीज में फोर ग्रेट ट्रेजिडीज है, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो। कॉमेडीज में एज यू लाइक इट है, ट्वेल्थ नाइट है, वी गो, ये सब इम्पोर्टेंट कॉमेडीज है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि उसमें कॉमेडी ऑफ माइनर को भी लेकर के अभी जो हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था जस्ट टीटस एंड दैट वाज द परहैप्स टीजीटी में बड़ा कि वो रोमांटिक कॉमेडी का भी एग्जांपल था, और कॉमेडी ऑफ माइनर के में भी उसको दिखाया जा रहा है। एम एच एब्राम्स में कॉमेडी ऑफ माइनर में दिखाया गया, डेविड डेचेस में उसको उसमें दिखाया गया। तो यू व्हेन यू गो विद दीज थिंग, तो एक उसका क्लासिफिकेशन जनरली जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ कॉमेडीज बिटर कॉमेडीज भी है जिसको प्रॉब्लम प्ले का भी नाम दिया गया, जिसमें मीजा फॉर मीजा, ट्रायलस एंड क्रेसिडा, ये तीन कॉमेडीज एक और भी है उसमें आप देखिए आज वेल दैट एंड्स वेल, यू फाइंड की तो उसका जो डिवीजन है हल्का सा वो हमें पता होना चाहिए। फिर उससे रिलेटेड जो टेक्स्ट है उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, बाकी कामा चीजें ऑलरेडी यू नो, ऑलरेडी यू हैड गॉन। अब आपको हैमलेट बहुत बताने की जरूरत नहीं, अगर हैमलेट सिलेबस में है आपको ओथेलो बताने की बहुत जरूरत नहीं है, यू विल फाइंड दैट माई लेक्चर इज ऑल्सो अवेलेबल, यू कैन गो विद दैट थिंग। लेकिन जो चीजें अनटच रही है जैसे हेनरी फोर्थ अनटच रहा उस पर मैं जरूर बात करूंगा। तो इस तरह से ड्रामा का जब आप सीक्वेंस तैयार करते हैं, अगर मैं बेन जॉनसन पहुंचता हूँ और शेक्सपियर पे बात नहीं करता तो डायरेक्टली ये थोड़ा सा एक खाली सा लगता। तो इस तरह से मैंने एक सीक्वेंस बनाया कि व्हेन यू टॉक अबाउट बेन जॉनसन, तो बिफोर बेन जॉनसन व्हाट हैपेंड इन द प्ले, एंड बिफोर क्रिस्टोफर मार्लो व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंग्लिश प्ले का क्या कंडीशन था। तो एक लिंक हो गया, एक लेक्चर में एक लिंक करने की कोशिश की जा रही, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स इन प्रॉपर वे इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, उसको कैसे समझा जा सकता है। व्हेन यू गो विद दिस पॉइंट, जब आप इन सारे पॉइंट्स को लेते हैं या उसको लिंक करने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, देन यू कम टू नो या कि दीज आर द पॉइंट्स की एक सिस्टमेटिक ढंग से जो कॉन्सेप्ट पोएटिक्स में अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया वो भी समझ में आ रहा है, जो है मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरलिटी प्ले, इंटरल्यूड से शुरू हुआ था वो समझ में आ रहा है, जो गारबडक का है, राइस्टर का है, यूनिवर्सिटी विट्स के जो वर्क रहे वो भी समझ में आ रहा है, कैसे लिंक है, फिर कैसे शेक्सपियर में हम पहुंचते हैं, उनके 37 प्लेज में 10 हिस्टोरिकल है, कुछ रोमन प्लेज है, कुछ ट्रेजिडीज है, कुछ कॉमेडीज है, कुछ रोमांस है, उन सबका एक क्लासिफिकेशन थोड़ा सा शेक्सपियर के प्लेज को लेकर के करना पड़ेगा, उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। फिर उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वर्क रहे कि शेक्सपियर में कौन कौन से प्ले को रखा गया है उस पर, अब वही मैंने बात किया कि अगर हैमलेट है तो हैमलेट की कहानी आपने कई बार पढ़ा, मैकबेथ है तो उसकी कहानी आपने कई बार पढ़ा, किंग लियर है तो कहानी उसकी कई बार पढ़ा गया है, अब उसको उस पर लेक्चर बार बार शेक्सपियर को लेके बात करना ये चीजें सही नहीं है, क्योंकि वो चीजें अवेलेबल है, उसको आप कर सकते हैं इसी वे में। तो हेनरी फोर्थ पर तो मैं बात करूंगा, लेकिन अगर देखा जाए तो एक और चीज है कि जब भी किसी चीज की स्टडी किया जाता है तो उनके कंटेम्प्रेरी को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप शेक्सपियर की बात करते हैं तो एलिजाबेथन एज को जानना जरूरी है, और अगर आप जो है क्रिस्टोफर मार्लो को बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी विट्स को जानना जरूरी है। यूनिवर्सिटी विट्स पे हमने बात कर लिया, जितनी मोटी मोटी बातें कर ली थी। अब जब आप एलिजाबेथन एज की बात करेंगे तो एलिजाबेथन एज को जानने से पहले थोड़ा सा हमें रिनेशा पे बात करना पड़ेगा, कुछ बात नहीं करना, कुछ चीजें रिवाइज करनी। जैसे इन 1453 रिनेशा एक इंपॉर्टेंट डेट माना जाता है कि रिनेशा स्टार्ट बिकॉज तुर्क अटैक्ड कॉन्स्टेंटिनोपल। अब एक चीज पूछा जा सकता है, व्हाट इज कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल वाज द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर, द सेंटर दैट वाज द कैपिटल वेयर टॉर्च बियरर्स, ल्यूमिनरीज, साइंटिस्ट, पेंटर्स, आइडियोलॉजिस्ट, ह्यूमनिस्ट, दे वर लिविंग देयर। जब तुर्कों को वहां पे अटैक होता है ये कहा जाता है कि वो पार्टिकुलर चीज कहाँ पे फैल गई, फ्रांस गई, फ्रांस से इंग्लैंड पहुंची, इसीलिए कहा जाता है रिनेशा 14th सेंचुरी में इटली में आया है, 15th सेंचुरी में फ्रांस में आया है, 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में गया, और रिनेशा कैसा मूवमेंट था, पैन यूरोपियन मूवमेंट था। दिस थिंग्स यू, अब रिनेशा से रिलेटेड कुछ और भी, रिनेशा से रिलेटेड कुछ और भी चीजें ध्यान में रखना है। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492, वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया इन 1498,
गैलीलियो का टेलीस्कोप का आविष्कार, विलियम कैक्सटन का प्रिंटिंग प्रेस, कापरनिकस और टालेमी ने जो बातें की है, या उनका जो कापरनिकस और टालेमी का जो रिलेशन है, किसके फील्ड में, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में, कि द सन इज इन सेंटर एंड द अर्थ मूव्स अराउंड इट, पहले कहा जाता था नहीं द अर्थ इज इन सेंटर एंड द सन मूव्स अराउंड इट, ये कापरनिकस और टालेमी का जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा आपको और कौन कौन सी बातें क्लियर होनी चाहिए, या जो चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उस समय भी काफी काम हुआ था, उस समय भी कई लोग आए थे, जैसे अगर आप देखेंगे लिलीस का, जॉन लाइली का यूफ्यूज रहा है, इरेस्मस का प्रेज ऑफ फॉली रहा है, विलियम कैक्सटन का मार्टेडी आर्थर का ट्रांसलेशन रहा है, तो ये हिस्ट्री का पोर्शन है। लेकिन अगर आपके यहाँ कोई राइटर रखा गया है या कोई चीज एज के हिसाब से प्रिस्क्राइब्ड है, तो यू कांट लीव दैट, यू हैव टू गो विद दैट वन, यू कांट लीव इट, आप उसको छोड़ नहीं सकते। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्थर, दिस पर्टिकुलर एज, तो उसके पहले क्या हुआ और उसके समय में क्या हुआ, यह आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। आपको स्पेसिफिक स्टडीज नहीं करना है कि शेक्सपियर का चार प्ले है तो वही अकेले, नहीं, यू मस्ट नो अबाउट शेक्सपियर, यू मस्ट नो अबाउट सॉनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, यू मस्ट आल्सो नो अबाउट एलिजाबेथन एज एंड बिफोर एलिजाबेथन एज व्हाट हैपेंड, उस समय क्या हुआ था, क्या चीजें हुई थी, कौन कौन से लोग आए थे, ऑल दीज थिंग्स, उन सारी चीजों को आपको ध्यान से रखना है या समझने की कोशिश करना है। अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेम्बर, जो दूसरा पॉइंट है, उनमें से कौन कौन सी चीजें रही, अदर सिग्निफिकेंट पॉइंट या अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू फॉलो, वॉट इज दैट थिंग, यू मस्ट गो विद, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है कि इसके साथ साथ पोएट्स भी उस एज के, अगर आप पोएट्स की बात करते हैं तो सर फिलिप सिडनी को यू कांट इग्नोर, सर फिलिप सिडनी का वर्क बहुत बड़ा नहीं आ रहा है, लेकिन उनका एस्ट्रोफेल एंड स्टेला जो कलेक्शन ऑफ सॉनेट है, जिसमें 108 सॉनेट आया था, 11 सॉन्ग्स रहा है। एस्ट्रोफेल किसके लिए आया हुआ है, सर फिलिप सिडनी के लिए, स्टेला उनकी बिलप के लिए, एक जनरल बात है। उसके अलावा उनका जो प्रोज रोमांस रहा, एस्ट्रोफेल सर फिलिप सिडनी का जो प्रोज रोमांस आर्केडिया करके था, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि आर्केडिया वॉज द प्रोज रोमांस ऑफ दैट मैन, उनका प्रोज रोमांस रहा है, दैट थिंग यू हैव टू रिमेम्बर। उसके अलावा आपको सर फिलिप सिडनी के अलावा यू हैव टू गो विद सर थॉमस यार्ड, हेनरी हार्ड एंड लाफ सरे की सॉनेट को इंट्रोड्यूस किया गया, पेट्रोचन मॉडल ऑफ सॉनेट यू फाइंड, एक्सेप्ट पेट्रोचन मॉडल ऑफ सॉनेट यू फाइंड सम अदर थिंग्स आल्सो, कि विलियम शेक्सपियर से पहले सॉनेट में कौन तब्दीली लाता है, हेनरी हॉवर्ड एंड लाफ सरे जिन्होंने थ्री क्वार्टर्स और एक कपलेट का यूज किया है, ही आल्सो यूज्ड ब्लैंक वर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्जिल्स का जो एनिड का ट्रांसलेशन था, बुक सेकेंड एंड बुक फोर इन 1540। सो व्हेन यू टॉक अबाउट विलियम शेक्सपियर, व्हेन यू टॉक अबाउट सम अदर ऑथर्स हु आर इन योर सिलेबस या देयर वर्क, सो इट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू इग्नोर द राइटर्स हु केम इन दैट एरा या हु केम इन दैट एज। इफ विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एज, देन नॉट विलियम वर्ड्सवर्थ वाज देयर, विलियम वर्ड्सवर्थ के अलावा भी वहां विलियम शेक्सपियर, मैं विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम ले रहा हूं, विलियम शेक्सपियर के अलावा वहां पे और भी रहे, वो जो और लोग रहे उनमें से कौन से, सर फिलिप सिडनी जैसे मैंने बताया, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, यू हैव टू गो विद वन अनदर थिंग दैट इज व्हाट, उनका प्रोज रोमांस आर्केडिया एंड एक्सेप्ट इट यू फाइंड कि उन्होंने एक स्टीफन गोसन को रिप्लाई करने के लिए, स्टीफन गोसन को रिप्लाई सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी, या आर यू गेटिंग माय वॉइस, यस सर नाउ गेटिंग, ओके ओके। तो रिमेंबर दैट कि मेरा कहने का मतलब है कि व्हेन यू टॉक अबाउट एनी
हेलो मैडम, आवाज जा रही है? जी सर। आवाज अच्छा, नाउ गेटिंग गेटिंग योर वॉइस, जी गेटिंग। जी सर। सो आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि व्हेन वी टॉक अबाउट एनी राइटर, स्पेशली शेक्सपियर आर एनी राइटर, वी कम टू नो कि उनके अपने कंटेम्प्रेरी के बारे में, जिसमें एक मैंने सर फिलिप सिडनी पे बात किया, मैंने सर थॉमस यार्ड को कि ही इंट्रोड्यूस सॉनेट इन टू इंग्लैंड, एंड रिमेम्बर दैट कि हेनरी होवर्ड और लास्करे हु ट्रांसलेटेड वर्जिस ए नीड एंड यूज्ड ब्लैंक वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन बुक सेकेंड फोर इन 1540, एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि उनका दोनों लोगों का सॉनेट का कलेक्शन टर्टल्स मिसेलेनी था, टर्टल्स मिसेलेनी दैट वॉज पब्लिश बाई अ जो जो पब्लिशर थे उनके द्वारा पब्लिश किया गया था, टॉटल नाम का पब्लिशर, वो चीजें थी। तो उन सब पॉइंट्स को वी हैव टू रिमेम्बर, वी हैव टू नोट डाउन कि इनका कंट्रीब्यूशन रहा है और ये इनको वी कांट इग्नोर एट ऑल, एक्सेप्ट इफ यू फाइंड हुम यू फाइंड एडमंड स्पेंसर, पोएट पोएट टाइटल वाज गिवन बाय चार्ल्स लैम, उनका वर्क शेफर्स कैलेंडर, उनका एक एलिजी एस्टोफेल जो सर फिलिप सिडनी पर लिखा गया, इसके अलावा एपिथैलेमियन, प्रोथैलेमियन, फेरी क्वीन जो उनका वर्क रहा है उसको, और मीन्स जस्ट यू फाइंड कि वट एवर द लिरिक ही हैज रिटन, खासकर कलेक्शन ऑफ सॉनेट इमोरिटी जिसमें 88 सॉनेट था, और एलिजाबेथ बॉयल को लेकर के बात करते हैं, तो मेरा मतलब है कि वी हैव टू गो विद दिस पॉइंट आल्सो। अब जो है प्रोज राइटर्स में बेकन को लेकर के उनका फादर ऑफ इंग्लिश एसे, उनका 58 एसे जो 1597 1612 1625 में पब्लिश हुआ, उन्होंने अपने एसे को डिस्पर्स मेडिटेशन कहा, बेकन को द वाइजर द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड अलेक्जेंडर पोप ने कहा है, उनके एसे में एफोरिज्म है, एपिग्रामेटिक स्टेटमेंट, ऑल दीस थिंग्स वी फाइंड, तो वो सब चीजें, दैट इज अनदर थिंग। बट व्हेन यू गो विद दीस थिंग, तो अब उसके बाद क्या होता है कि सीधे एलिजाबेथन एज अगर आपने कवर कर लिया तो फिर जिस नए एज में हम आते हैं वो जैकोबियन एज रहा है। जो जैकोबियन एज है उस जैकोबियन एज में हम किसकी बात करते हैं, बेन जॉनसन की बात करते हैं, और जैकोबियन एज में ही हम मेटाफिजिकल पोइट्री की भी बात करते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट आता है। तो मेटाफिजिकल जो पोइट्री है, जॉन डन उसके फादर और उसके तमाम पोएट्स जो उनके अंडर में या उनको फॉलो करते हुए लिखे, दैट वाज द मेटाफिजिकल पोएम, अ टाइप ऑफ पोएम दैट वाज अगेंस्ट एलिजाबेथन पोइट्री, जिसमें यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, मेटाफिजिकल कंसीट है, एडवोकेसी है, एब्रप्ट स्टार्टिंग है, ड्रामेटिक लिरिक का फॉर्म है, एंड फारफेच्ड इमेज है, और उन लोगों ने क्या किया है कि कुछ और भी चीजों को दिखाने की कोशिश की हुई है। तो यू फाइंड दीज थिंग्स एंड यू विल कम टू नो कि ये चीजें रही हैं जहाँ पे हमें बात करते हैं कि हाउ मच दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, हाउ मच दीज थिंग्स आर अल्टीमेटली सिग्निफिकेंट। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हेन यू गो विद दीज पॉइंट, स्पेशली कि मेटाफिजिकल पोएट्स, तो इसका एडमिरेशन टी एस एलियट ने भी किया हुआ है, और आज मैंने टी एस एलियट पे एक लेक्चर लिया था, उसका वीडियो मैं अपलोड करूंगा, वो जरूर देख लीजिएगा, उससे बहुत सारा चीज आपका कवर हो जाएगा एलियट को लेकर के जो है। तो उस पे जो आता है कि मेटाफिजिकल पोएट्स का एडमिरेशन टी एस एलियट ने किया है, उन्होंने एक क्रिटिकल एसे मेटाफिजिकल पोएट्स भी लिखा विच केम इन 1921, और उसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ऑल दीस थिंग्स वी फाइंड। आफ्टर इट वी कम टू नो व्हाट, आफ्टर इट वी कम टू नो कि बेन जॉनसन को लेकर, तो बेन जॉनसन वाज अगर देखा जाए ही वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर, शेक्सपियर के साथ भी बेन जॉनसन ने काम किया, लेकिन दोनों में एक फर्क रहा है कि बेन जॉनसन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के राइटर रहे हैं और शेक्सपियर ट्रेजिडी में, तो जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर रहा है खासकर जो क्लासिकल कॉमेडी थी उसको इंग्लिश कॉमेडी में तब्दील करने में बेहतरीन अगर काम किसी ने किया तो वो कौन रहे, वो बेन जॉनसन रहे। उनको लेकर के खासकर उनकी लाइफ को या उनकी चीजों को लेकर के जो मुझे बात करनी है, दैट हाईली सिग्निफिकेंट। तो यू फाइंड कि
जब हम बेन जॉनसन को लेकर के बात करते हैं तो बेन जॉनसन को लेकर के क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला कि बेन जॉनसन वॉज बॉर्न इन 1572, 1572 में जन्म हुआ, 1637 में मौत हुई है। किस एज के बड़े राइटर रहे? जैकोबियन एज के। जैकोबियन एज 1603 से 1625 तक रहा है। और बेन जॉनसन भी बहुत ज्यादा नहीं बट एक तो फर्स्ट लॉरिएट पोएट, अगर फर्स्ट लॉरिएट पोएट की बात कही जाए तो वो जो फर्स्ट लॉरिएट पोएट रहे वो कौन रहे? आपके बेन जॉनसन रहे। इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क रहे उस पर बात करना है, बाकी फिर सारी चीजों को लेकर के कि उनके जो चीजें जैसे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर रहा उस पर डिटेल में बात करेंगे। एक तो इनकी कॉमेडीज में अगर आप देखेंगे, खास करके जो बेन जॉनसन की कॉमेडीज रही है और जो उनका मास्क रहा है या जो उनकी ट्रेजिडीज रही है, तो कॉमेडी में एक था अ टेल ऑफ टब जो 1596 में आया हुआ है। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि ही वॉज अ ड्रामेटिस्ट ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। He belongs to Jacobian age. Jacobian age covers the period from 1603 to 1625. He was also the contemporary of William Shakespeare के साथ भी उन्होंने काम किया है। उनके जो वर्क थे उनमें से एक वर्क आपका A Tale of Tub कॉमेडी रही है, जहाँ पे आपको ध्यान में रखना 1596 में आई है। एक और उनकी कॉमेडी जो आपके यहाँ सिलेबस में Every Man in His Humor 1598 में आई है। Every Man in His Humor, it came in 1598. दूसरा आपका है सिंथियाज रिवेल 1600 में आई है। एक और है द पोएटेस्टर कॉमेडी 1601 में आई है, द पोएटेस्टर 1601 में। इसके अलावा वालपोन एक उनका कॉमेडी है 1606 में आई है। एपिकोन और द साइलेंट वुमेन 1609 में आई है। द केमिस्ट कॉमेडी 1610 में आई है। सो जो वालपोन रहा है वो कब आई है? 1610 में आई है। द एल्केमिस्ट 1610 में, एपिकॉन आर द साइलेंट में 1609 में आई है, बार्थोलोमी फ्रेयर 1614 में आई है। एक मैंने आपको बता दिया, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के या पीडीएफ फाइल बना करके अभी आपको मैं भेज दे रहा हूँ, तो एक जगह पे ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी। और जो आपके यहाँ है सिलेबस में वो क्या रहा है? एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, उस पर हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा इनका दो ट्रेजिडीज है, सिजेनस है और कैटिलीन करके दो ट्रेजिडीज है। सिजेनस 1603 में, कैटिलीन 1611 में आई हुई है। कुछ मास्क भी उनका है, वो सारी की सारी चीजें। अब ये जो थे जेम्स फर्स्ट के समय भी थे, चार्ल्स फर्स्ट के भी समय थे। जेम्स फर्स्ट का टाइम 1625 पे खत्म हो जाता है, उसके बाद चार्ल्स फर्स्ट का शुरू होता है, लेकिन बहुत उनसे अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। और इनको जो प्रसिद्धि मिलती है वो कहाँ से? एवरी मैन इन हिज ह्यूमर से मिलती है। उसी के साथ ही उनका एक और सीक्वल था एवरी मैन आउट ऑफ ह्यूमर करके उनका एक था। और यू विल कम टू नो कि दीज थिंग्स यू फाइंड। और इन्होंने एक तरह से काम किया था द आइल ऑफ डॉग्स करके एक वर्क था, थॉमस नैश का वर्क था, उसमें जो है इन्होंने कुछ काम किया हुआ था। थॉमस डेकर से भी इनका रिलेशन रहा है। बट रिमेम्बर दैट जो चीजें रही अपनी जगह, इनका जो वर्क द पोएटेस्टर था उस पे वो सैटिरिकल कॉमेडी रही, अपने समय के राइटर्स को इन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया हुआ है। ऑल दिस थिंग्स टू बी फाइन। सो जस्ट रिमेंबर दैट कि व्हाट वी डिड, वी हैड जस्ट गॉन कि ही वाज बोर्न इन 1572, डाइड इन 1637, अ ड्रामेटिस्ट ऑफ जैकोबियन एज रिलेटेड टू कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, जिसका एक खूबसूरत एग्जाम्पल एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और एवरी मैन आउट ऑफ ह्यूमर, ये चीज हमें पता चलता है। और उनका कंटेम्प्रेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर भी रहे। दो किंग को इन्होंने अपनी सर्विस दी है, एक आपके जेम्स फर्स्ट थे, दूसरे आपके चार्ल्स फर्स्ट थे। और कंटेम्प्रेरी राइटर्स इनकी बनती नहीं थी, उन्होंने उनको सटिराइज किया है, किसमें? द पोएटिस्टम में। इसके अलावा सिंथियास रिवेल्स में भी उन्होंने किया हुआ है। और ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। उनका दो ट्रेजिडी है, सिजेनस और कैटलीन है। कुछ मास्क है, उसकी फोटो मैं खींच के भेजूंगा। कॉमेडीज में अ टेल ऑफ टब है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ ह्यूमर, सिंथियास रिवेल, द पोएटेस्टर, वालपोन कॉमेडी है, एपिकॉन आर द साइलेंट वुमेन है, द एल्केमिस्ट है, बार्थोलोमियो फ्रायर। सो दीस थिंग्स यू फाइंड। एंड टुमारो वी विल टॉक अबाउट टू प्लेस। कल हम लोग दो प्ले पर बात करेंगे, एक तो आपका हेनरी फोर्थ और दूसरा एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। तो अगर हम इस पर बात कर लेंगे तो कम से कम हमारा ये ड्रामा का जो यहाँ तक का चीजें रही है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें आल्फा लव पर बात करनी पड़ेगी, आल्फा लव के साथ हम जाएंगे।
है।